यहाँ नहीं गए तो समझो आपने गोवा नहीं घूमा। तो आज मैं आपको गोवा सीक्रेट लेक ले जा रहा हूँ, गोवा की सीक्रेट लेक, जहाँ पर आज तक आप नहीं गए हो और विदेशी लोगों की या फिर ये कहें कि फॉरेनर्स की पसंदीदा प्लेस है। तो वहाँ पर चलने के लिए आपको अरंबोल बीच आना पड़ेगा। ये आपको अरंबोल बीच दिख रहा होगा, अगर नहीं दिखा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में अरंबोल बीच क्लियरली दिखा दूँगा। अब आपको अरंबोल बीच से पैदल बाई वॉक जाना पड़ेगा और रास्ते में आपको ये क्रीक दिखेगी, वो आप देख सकते हैं, वो रॉक्स दिखेंगी और ये इस साइड अरंबोल बीच है। लेकिन मैं अब डायरेक्ट स्वीट वाटर लेक या फिर ये कहें कि गोवा के सीक्रेट लेक में पहुंच गया हूं। अब इस सीक्रेट लेक का व्यू कुछ ऐसा है और यह एक प्राइवेट एरिया है या फिर ये कहें कि प्राइवेट लेक है गोवा की। यहां पर बेड में बैठने का आपको चार्ज देना पड़ेगा और खाने पीने का अलग से चार्ज देना पड़ेगा। यहां पर विदेशी लोगों की संख्या देसी लोगों के मुकाबले ज़्यादा रहती है। और उधर जो एक हिल दिख रही है आपको राइट साइड, उस हिल में बाबा रहते हैं, एक बनियान बाबा और एक बहुत बड़ा बनियान ट्री है। लेकिन इस एरिया में स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग प्रोहिबिटेड हो गया है क्योंकि ये प्राइवेट एरिया है, तो यहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन नहाने का इस लेक में कोई पैसा नहीं है, तो आप आओ डायरेक्ट अंदर जाओ और नहाओ, इंजॉय करो, वीडियोग्राफी करो, फोटोग्राफी करो। इस लेक का व्यू इतना अच्छा है, इतना ज़बरदस्त है कि विदेशी लोगों की भीड़ लगी रहती है और यहाँ पर आके विदेशी लोग अपनी छुट्टियों का इंजॉय करते हैं। तो अगर आप गोवा आ रहे हो तो गोवा की इस जगह को जरूर घूमना। अगर ये जगह नहीं घूमा तो समझो आपने गोवा का कुछ नहीं घूमा। और आप देख सकते हैं मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो नहा रहे हैं यहाँ पे और इसका इंजॉय ले रहे हैं, इस लेक का। तो आप भी यहाँ पर बहुत अच्छी शूटिंग कर सकते हैं। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep my... अगर बात की जाए सीजन की तो बरसात के समय गोवा आप मत आना और इस लेक तो बिल्कुल भी मत आना, क्योंकि इस लेक का रास्ता बंद हो जाता है, इसीलिए गोवा की सीक्रेट लेक इसे कहते हैं। और जब आप अक्टूबर से अप्रैल के बीच में आओगे तभी आप ये लेक देख सकते हैं, अदरवाइज इस लेक तक आना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, कोई भी आ सकते हो। आजकल तो यहाँ पर बहुत सारी सैक्स भी बन गई हैं, लेकिन 2012-13 में यहाँ पर कुछ नहीं था, तो लड़कियाँ आने से डरती थी, केवल देसी लड़कियाँ और लड़के आते थे यहाँ पर। लेकिन अब सभी लोग आने लगे हैं और एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा हो गया है, तो आप यहाँ पर आके इंजॉय कर सकते हैं। तो आई होप आपको यह सीक्रेट लेक अच्छी लगी होगी और नेक्स्ट टाइम आप ज़रूर विजिट करेंगे। और अब हम लोग चलते हैं अपने घर की तरफ और मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।